2020 में दो बड़े आंदोलन हुए। एक था शाहीन बाग, जो जिसको मार्च में रोक दिया गया कोविड और कोरोना की वजह से, और दिसंबर के दौरान नवंबर दिसंबर में हमने देखा कृषि आंदोलन। तीन एक्ट जो का जो कानून बना उसको किसानों ने कहा सरकार वापस ले। और इस आंदोलन ने एक वक्त ऐसा जोर पकड़ा कि एक अभिनेत्री कंगना रनावत, उन्होंने दावा किया कि जो बुजुर्ग पंजाबी महिला जो किसान में थी, आंदोलन से जुड़ी थी, वो असल में वो पंजाबी महिला नहीं थी, वो असल में बिल्किस दादी थी। तो इस पर बिल्किस दादी काफ़ी नाराज हुई। बिल्किस दादी सिंघू बॉर्डर, जहाँ पे किसान लोगों ने आंदोलन किया है, वहाँ पहुँच गई। तो मेरे साथ बिल्किस दादी हैं, मैं उनसे मिलने भी आई। आप बताइए, आप क्यों गई सिंघू बॉर्डर? हम जो गए थे, हमारा चेहरा बना कर जो साहिन बाग की दादी है, तो अपना चेहरा दिखाने गए और जो किसानों से 100-100 रुपये दिया रहे। क्या रुपये मारे बैठेंगे वहाँ साहिन बाग की दादी से, अपना चेहरा दिखाने नहीं गए है। हम क्या रुपये के भूखे हैं, हम तो अपना उनका कैसा हम बैठे हैं, वे आए हैं तो हम उनसे मिलने हो गए। और किसान की बेटी किसान की। अच्छा ये बताइए कि आप सिंघू बॉर्डर गई थी, हाँ, वहाँ पे क्या हुआ? बहुत दूर चल गए हम, ये ऑफिसर आया, उन्होंने हमारा चेहरा देखा, बोला यहाँ का रास्ता ना है, इधर कर है, हम पुलिस ले आए सब वापस। आगे चले हम, तब पुलिस की गाड़ी खड़ी, 10-12 लेडीज पुलिस खड़ी है, जेंट्स भी है, हम गाड़ी में बैठा लिए। हमारे मंजूर ने जो कही जो कहाँ ले जा रहे हो हमारे अम्मा को, जो घबराओ मत, हम गलत जगह ना ले जा रहे हैं, सही जगह ले जा रहे हैं। उन्होंने आकर हमें थाने पर छोड़ दिया, चले गए। वहाँ के जो थाने में है वे हमें देख कर खड़े हो गए। उन्होंने कही जो पानी पिलाओ, चाय लाओ और अम्मा को घर पहुँचाओ। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ कर घर आ गए। यू अच्छा, पर आपको वहाँ पे आगे बैठने नहीं दिया उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं, जान नहीं दिया। तो आपको आपका मन है वहाँ पे फिर से जाने का किसानों के बीच? मन तो है, पर कहाँ जान दे रहे हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पे चले गए हम, उन्होंने भी पहले मना करी, हम कई में हम साहिन बाग की दादी हैं और वहाँ हम 101 दिन बैठे। उन्होंने फिर हमारा फोटो लिया, बात करी और सलाम करा। जब हमारी गाड़ी निकल गई, कही अम्मा चली जाओ, फिर हम उनसे मिल गए किसान। आप किसान की बेटी, किसान की बहू? हाँ। कहाँ पे है आप लोगों का? हापड़ से 12 किलोमीटर हमारा गांव है, पुराना तहसील हापड़। तो आप दिल्ली कब आई? 9 साल है यहाँ आए हमें, यानी हम तो अपने गांव में ही रह गए, ये बच्चे रह गए कोई 25-26 साल से यहाँ, हम ना, हम तो गांव में। तो एक किसान महिला 9 साल यहाँ पे आई और यहाँ पे आपने दो आंदोलन का आप हिस्सा भी बन गई, एक पहले शाहीन बाग, हाँ, और अब ये कृषि आंदोलन। हाँ। तो शाही पहले बताइए, शाहीन बाग का हिस्सा कैसे बनी? शाहीन बाग का हिस्सा ऐसा बना, जामिया में हमारे पोते भी, बेटे भी, सब पढ़े, बेटी भी, तो वहाँ उन्होंने मारपीट करी। बाहर से सरकार ने पब्लिक बुला के और आंसू गोले छोड़े और वैसे मारे, जो बच्ची बाथरूम में भी बढ़ गई, जवान जवान, तो वहाँ भी बढ़ कर मारे, किसी के हाथ तोड़े, किसी की आँख चली गई, कोई मर गया, कोई किसी के पाँव में लगी, तो हम पर देखा ना गया। जब हमारे होता हुए हमारे बच्चों को मार रहे, तो जब कल को हमारा दम ना गया तो जब क्या दिन बनेगा। तो आप ठंड में बैठी थी पिछले साल, मतलब ये 101 दिन आप बैठे रहे? हम बारिश भी हुई, ठंड भी हुई, और हमने वहाँ बैठ कर 26 जनवरी पर झंडा लिया। तो आप ये बताइए कि जब लोग कहते हैं कि यहाँ पे बिरयानी मिल रही है, या फिर जैसे किसान का आंदोलन हो रहा है तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग बादाम खा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या सोचना है? क्या न्यू बताओ, सरकार क्या खाना रही है, पीछे उधर रही है, जो किसान ही खा रहे हैं, क्या आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भूखे मर कर रहे हैं, खावे तो सभी हैं,
कुछ थोड़ा खाओ कुछ ज़्यादा खाओ। और क्या ना, हम तो बिरयानी तो हमारे तो दूसरे तीसरे दिन बने बिरयानी, क्या वो खाते हैं, सब खाते हैं बिरयानी तो, और क्यों ना खाएं। हाँ, कोई सरकार थोड़ा ही दे रही है, किसान ही दे रहे हैं, किसान ही खा रहे हैं। सरकार दे तो बात भी है जो, हाँ हम दे रहे हैं तुम खा रहे हैं। तो आपको क्या नाराजगी है जब लोग कहते हैं कि ये 100 रुपए 500 रुपए लेकर के लोग बैठे हैं? नाराजगी की ना सारी है, कोई पैसों के मारे बैठी है, अपना देश बचाने के टाइम 20 साल पीछे हो गया देश, भुखमरी हो गई, नौकरी ना रही, बच्चों की बतेरे खुदकशी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर में बैठ कर 10 महीने हो गए, अगर नौकरी नहीं बच्चों की, मजदूरी नहीं तो बच्चे क्या खाएंगे, तो आवाज़ उठानी तो लाजमी है हमें। तो आपके घर वालों ने आपका साथ दिया जब आप आवाज़ उठा रही थी? हाँ, जावे बच्चे, बहू भी जावे, पोती भी जावे या लड़के भी जावे, हम डेली रह रहे हो, रात को भी और दिन को भी, एक रात वहाँ बैठ कर काटे, एक रात घर को आ जाओ 12 बजे रात के, अकेले जाना अकेले आना। तो आप किसानों के साथ हैं आप कह रही हैं? हाँ, पंजाब से जो आए हैं, महाराष्ट्र से जो आए हैं, जब हम बैठे हैं वहाँ तो 500 पंजाबी आए हमारी मदद करने के टाइम, और 2-2.5 महीने रह गए ना, उन्होंने लंगर जारी भी करा। ये आप शाहीन बाग की बात कर रही हैं? हाँ, और अभी बैठे हैं तो अपना ही खा रहे हैं, सरकार का नहीं खा रहे हैं, उन्होंने जो कह दिया हम तो अपना खाएंगे, 6 महीने हो जाओ क्या, साल हो जाओ क्या, 2 महीने हो जाओ, जो काला कानून वापस ना लेंगे, जो बैठे ही रहेंगे अपनी मांग करते, सरकार क्यों ना आती है मिल बात करो सरकार। पर अभी से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा? नहीं है फायदा, कुछ भी नहीं है, दुकान छिन जाएंगे, मकान छिन जाएंगे, और जाओ कहीं भी ऐसा होने वाला, मोदी जी कह रहे हैं तो क्या अच्छा कह रहे हैं, और सबको पता। अच्छा दी, यही बताइए कि जब जैसे यहाँ शाहीन बाग में जब आंदोलन हुआ तब लोगों ने कहा कि यहाँ तो सब पाकिस्तानी बैठे हैं, यहाँ तो बिरयानी मिल रही है, अब किसान आंदोलन के लिए बोल रहे हैं वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं ये लोग, तो और उनके खाने पीने रहने सब चीज़ पर बात हो रही है। अब ये बताओ, जब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में जो चलेगा चलेगा, जो यहाँ रह गए तो यहीं हैं, उनके बाबा दादे यहीं मरे और यहीं इस मट्टी में ही मिले, और हम भी इस मट्टी में मिलेंगे, और रही बात किसे जाना है वो चला गया, जो रह गए वे रह गए, अब कोई जा रहे हैं पाकिस्तान, हम नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे कहीं? नहीं जाएंगे, हमारे कितने भी हैं यहाँ कोई नहीं जा रहा। आप 2020 में दो आंदोलन के साथ आप जुड़ी रही है ना, अभी आप किसानों के साथ आपने अपनी आवाज लगा दी है, और उससे पहले आप शाहीन बाग में जुड़ी हुई थी। अच्छा, आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी हाथरस के बारे में, इस साल हाथरस भी हुआ? तो हाथरस ऐसा हुआ, क्या नाम लौंडिया, पहले तो लिया है उसे, और फिर मार पीट के जुबान काट गई, और क्या नाम रात और रात 2:30 बजे रात के और पेट्रोल छिड़ कर आग दे दी, और उनके घर वालों को भी तो ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? वैसा तो यूँ कह रहे हैं मोदी जी, यूँ कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी बचाना है, बेटी को तो तुम दिन धोले मार रहे हो। आप सरकार से नाराज हैं? हम तो नाराज हैं, ये CNRC का ये कर रही है, जोला यू वापिस ना होगा जोला नाराज ही रहेंगे हम तो। अब 2021 आपको किस तरह का दिख रहा है, कुछ आपको उम्मीदें हैं 2021 से? उम्मीद है, सरकार तो आनी जानी है, आज ये है कल को दूसरी आ जाएगी, हैं अदलते बदलती रहे, और जब सिरसा ऊंचा पानी उतर जाओ तो जब तक कुछ कहीं नहीं ना, अब तो सिरसा ऊंचा पानी उतर रहा है, अब क्या है कुछ भी ना। तो ये बिल्किसदारी का कहना है कि सरकार तो आनी जानी है, सरकार आती है जाती है, और जब सिर से ऊपर पानी चला जाता है तो बात अलग हो जाती है। बिल्किसदारी के साथ शाहीन बाग से मैं रुक्मिणी सेन, नेशनल हेरल्ड के लिए।